हाय, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि आपको बच्चों को बुक्स जो है कब इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए, कैसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, किस टाइप की बुक्स लेना चाहिए और आप क्या करें कि जिससे कि बच्चों को बुक्स बहुत ही अच्छी लगें। तो नंबर वन इज़ कि आप जो है बच्चों को बुक्स जो है काफ़ी अर्ली एज से भी शुरू करा सकते हैं। मैंने जो स्टार्ट की थी अराउंड 6 मंथ्स पर बुक खरीदी थी, लेकिन उस टाइम एक्चुअली जब मैंने खरीदी थी तब मुझे लगा था कि शायद बुक ये जो है काफ़ी जल्दी ले ली है मैंने, बट सरप्राइजिंगली मेरी बेटी को वो बुक्स बहुत ही अच्छी लगी। वो डेली उसको एटलीस्ट 15 to 30 मिनट देखती थी, पढ़ती थी, और इतना तो यूजुअली आजकल कोई भी बच्चे जो हैं टॉयज़ में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो फिर तब मुझे लगा था कि शायद और जल्दी हम ले सकते हैं। इनफैक्ट बुक्स जो आती हैं न्यूबॉर्न पीरियड का भी लिखा रहता है, बट ऑब्वियसली आप जो है जब 3-4 मंथ के बेबी हो गए हैं तब जब बेबी को टमी टाइम देना शुरू करते हैं तो आप ले सकते हैं। तो छोटे बच्चे के लिए जो है आप हाई कॉन्ट्रास्ट जो बुक्स आती हैं या बड़े बड़े साइज़ के जिसमें पिक्चर बुक्स होती हैं वो ले सकते हैं। क्लॉथ बुक्स आती हैं, बोर्ड बुक्स आती हैं, काफ़ी सारे टाइप्स के बुक्स आती हैं। आप ऐसी ऐसी बुक्स मत लीजिए जिसमें एक ही पेज में काफ़ी छोटे छोटे से इमेजेस हों। आप ऐसा कोई बुक लीजिए, एक तो क्योंकि बच्चे पढ़ देते हैं तो बोर्ड बुक्स ही अभी एटलीस्ट 2-3 साल तक के बच्चों के लिए चाहिए। देन आप ऐसी बुक्स लीजिए जिसमें जो है इमेज जो है काफ़ी बड़ी सी हो, जिससे कि बच्चा जो है आराम से एटलीस्ट कंफ्यूज ना हो कि आप उसको क्या दिखा रहे हैं, एंड बच्चे को भी इंटरेस्ट आएगा क्योंकि उनको उनके लिए हर चीज़ नहीं है। अगर आप एक बुक में बहुत ही सारी चीज़ें हैं तो मे बी बेबी कन्फ्यूज़ हो जाएगा। और टच एंड फील वाली बुक जो थी वो मैंने सबसे पहले ली थी तो वो मेरी बेबी को बहुत ही अच्छी लगी थी, जिसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस भी थी, टेक्सचर्स भी थे, एंड काफ़ी जो है उसको टच करके डिफरेंट, दैट इज़ गुड फॉर सेंसरी डेवलपमेंट ऑल्सो। देन नंबर टू इज़ रिपीट रिपीट रिपीट। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने, क्योंकि बच्चे की जो बोर्ड्स बुक आते हैं क्या होता है सिर्फ 10 पेज हैं, तो मतलब कि आज हमने पढ़ी तो हमको लगा कि अभी तो हो गया, तो ऐसा नहीं है। बच्चे को बुक्स बहुत ही पसंद आती हैं, आप कुछ दिन तक लगातार भी उस बुक को पढ़ सकते हैं या फिर आप नई बुक्स भी ले सकते हैं। थोड़े दिन बाद आप पुरानी बुक्स को फिर से दिखा सकते हैं। तो स्टोरी बुक्स तो जो है वो ऑब्वियसली जब बेबी थोड़ा बड़ा होगा तभी बेबी को समझ आएगा, 6 मंथ्स एंड ऑल पे उतना स्टोरी नहीं समझ आएगा। तो इस इनिशियली जो है आप एज के अकॉर्डिंग भी बुक्स आती हैं आप वो देख सकते हैं। देन डेली बुक जरूर पढ़िए, भले ही आप थोड़े टाइम के लिए पढ़ रहे हैं, डेली जो है बुक जरूर पढ़िए। देन नंबर थ्री इज कि जब आप बुक दिखा रहे हैं बेबी को उस टाइम वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लाइक कि वहाँ टीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है, गाने चल रहे हैं या फिर काफ़ी सारे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, तो बेबी को ऑब्वियसली उतना हो सकता है कि इंटरेस्ट ना आए। और ऐसा भी नहीं है कि आपने आज पहली बार बुक दिखाई है तो बेबी को इंटरेस्ट आ ही जाएगा, हो सकता है कि आप उस बेबी को 2-4 दिन लगे बेबी को टॉय की तरह समझने में कि ये क्या है, हमें कैसे खेलना है, कैसे पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज बुक दिखाई और बेबी को 100% इंटरेस्ट आ ही जाएगा। थोड़े दिन थोड़ा बड़ा जो बेबीज हो जाते हैं जब उनको पता चलने लग जाता है कि ये बुक्स हैं, हाँ इसको ऐसे देखना है, पिक्चर्स देखना है और ये सब करना है, तब उनको इंटरेस्ट आता है। बट इनिशियली लाइक 6 मंथ पे फर्स्ट डे मेरी बेटी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया था, तो आफ्टर 2-3 डेज उसको वो बुक बहुत ही अच्छी लगी थी। प्लीज आप जो है बुक्स को जब शुरू करते हैं तो उसमें अगर आपका कोई कोरिलेशन है लाइक के रियल ऑब्जेक्ट से तो आप वो भी कराइए, तो हो सकता है कि बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट आए। देन कोई भी न्यू वर्ड है तो आप उसको एक्सप्लेन करिए, ऑब्वियसली कि बेबी को नहीं पता है कि ये क्या है, तो जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो बेबीज़ में जो है क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, उनको अच्छा लगेगा कि कुछ नया सीखा उन्होंने। देन नंबर फाइव इज़ कि आप जो है बुक्स पढ़ाने के बाद बच्चे को आप पूछिए कि बेबी को कैसी लगी बुक। ऑब्वियसली 6 मंथ बेबी नहीं बताएगा, बट वो आप उसके उसको बेबी को बहुत ही पसंद आ रही है तो आप उसके इंटरेस्ट से जान सकते हैं। बट अगर कोई बड़ा बच्चा है तो आप पूछ सकते हैं कि उसको बुक्स अच्छी लगी, किस टाइप की बुक्स उसको पसंद है, एंड लेट देम चूज़ बुक्स ऑल्सो।
तो हो सकता है कि किसी का इंटरेस्ट जो है किसी टाइप की पर्टिकुलर बुक्स में ज़्यादा है, तो आप उसको वो पढ़ाइए, बाकी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आप भी साथ में बुक पढ़िए, क्योंकि अगर ऐसा क्या है कि घर में सभी लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, तो थोड़े दिन बाद बेबी को भी यही होता है कि ऑब्वियसली मोबाइल ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो उनको मोबाइल ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप साथ में बैठ के बुक पढ़ रहे हैं या आप उनके सामने बुक्स पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली बेबी को बहुत ही अच्छा लगेगा कि वो भी बुक पढ़ रहे हैं। बिकॉज़ ये क्या करते हैं, वो हमेशा हर चीज़ को कॉपी करने का कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट डेज के बेड टाइम स्टोरी जो है उसकी आदत डालिए, सोने से पहले भले ही आप थोड़ा सा कुछ भी जो है थोड़ा सा स्टोरी सुना के ही बेबी को सुलाइए। आप जो है थोड़ा सा देन इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए, और हो सकता है कि अगर जैसे आप कोई पर्टिकुलरली किसी चीज़ की पांडा की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप पांडा की तरह इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए, उसका थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं, और ऐसे कुछ कुछ करेंगे तो बेबीज़ को डेफिनेटली अच्छा लगेगा। देन नेक्स्ट इज़ ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, तो आपको पता चलेगा, नई नई बुक्स लीजिए, आप डिफरेंट टाइप्स की बुक्स लीजिए, काफ़ी टाइप्स की बुक्स आती हैं आजकल, तो आपको फिर हो सकता है कि बेबी को कोई पर्टिकुलर बुक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। देन नेक्स्ट इज़ के बुक्स को है आप इजीली एक्सेसिबल रखिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक्स का एक कॉर्नर बना रखा है, सिर्फ बुक्स वहीं जाके पढ़ना है, टॉयज़ का अलग कॉर्नर है, तो बेबीज़ को रहेगा कि हाँ हमेशा वो टॉयज़ के साथ ही रहेंगे। तो बुक्स भी जहाँ आप रहते हैं, जहाँ बेबी है वहीं पर रखिए। देन बेबी को अगर बुक पढ़ने का मन है तो वो इजीली ले सकते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप साथ में भी लेके जा सकते हैं। एंड जो है इसको ऐसा मत बनाइए स्पेशली स्टार्टिंग में कि बच्चा जो है बुक्स जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा जो है डरने लग जाए कि मतलब ऐसा उसको फोर्सफुली किया जा रहा है। लाइक कोई एकेडमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, ये जो है इंटरेस्ट के लिए आपको पढ़ाना है शुरू में, तो धीरे धीरे जब बच्चे को ऐसे इंटरेस्ट आता है तो वो धीरे धीरे बुक्स में इंटरेस्ट लेते हैं और वो अच्छे रीडर्स भी बनते हैं। और रीडिंग एक्टिविटी को आप ऐसे मत करिए कि आप जो है फोर्सफुली बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ एकेडमिक टाइप की लगा रहे हैं कि बच्चे को अगर बुक नहीं पढ़ी तो बच्चे की डांट पड़ेगी, या बच्चे ने बुक फाड़ दी तो बच्चे की डांट पड़ेगी, या बच्चा पैर रख के खड़ा हुआ है तो आप उसको डांट रहे हैं। ऑब्वियसली 1 साल के बेबी को, 2 साल के बेबी को नहीं पता है, ऑब्वियसली हमें नहीं करना चाहिए, हमें सिखाना है, बट बेबी को नहीं पता है कि वो क्या सही है। उसके लिए जो है टॉयज और बुक्स सेम है, अगर आप सेम टाइप से ट्रीट करते हैं, अगर आप फोर्सफुली बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि नहीं अभी ये पढ़ना ही है पढ़ना ही है, तो हो सकता है कि बेबी को ना इंटरेस्ट है। तो आप ये सब करिए, एंड बुक्स जो है आप ज़रूर ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए। लाइक टॉयज़ जैसे हम खूब सारे टॉयज़ लेते हैं, तो बुक्स भी जैसे आप बुक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। एंड सिर्फ सिखाने के लिए ही नहीं, बेबीज़ को जो है बुक्स बहुत ही पसंद आती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हिट द बेल आइकॉन। और अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करते हैं तो आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने बुक्स रिकमेंड की हैं, कुछ जो कि मैंने पर्सनली यूज़ की हैं, या फिर कुछ टॉयज़ रिकमेंडेशन, और बाकी भी आप कुछ एक्टिविटीज़ देख सकते हैं।